अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुनील शेख, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी न्यू लिपस्टिक्स जो कि पाकिस्तान इंडिया में इजीली अवेलेबल हैं। कुछ तो ऑनलाइन ही आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ लोकल शॉप से भी आपको मिल जाएंगी। और वो हैं ऐसी न्यू लिपस्टिक्स जो कि ब्रिटिश और मीडियम कम्प्लेक्शन पर सूट करती हैं। याद रहे कि इससे पहले मैं पिंक लिपस्टिक शेड्स पर भी वीडियो बना चुकी हूँ जो कि ब्रिटिश कम्प्लेक्शन और मीडियम कम्प्लेक्शन पर सूट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जरूर देखिएगा। और आने वाले दिनों में मैं रेड लिपस्टिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि ब्रिटिश और मीडियम कम्प्लेक्शन पर सूट करती हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यू लिपस्टिक शेयर करूंगी जो कि ब्रिटिश और मीडियम कम्प्लेक्शन पर सूट करती हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन कीप वॉचिंग। और अगर आप पहली दफा मेरी वीडियो देख रही हैं तो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अच्छा, ब्रिटिश कम्प्लेक्शन जो होता है वो बेसिकली मीडियम कम्प्लेक्शन ही होता है 19-20 के फर्क के साथ। और जिन लोगों की स्किन टोन मीडियम या फिर ब्रिटिश होती है उनकी अंडर टोन्स यूजली वार्म होती है। बहुत कम होता है कि उनकी अंडर टोन्स कूल हो, लेकिन कूल हो सकती है, लेकिन यूजली वार्म ही होती है। तो लिपस्टिक्स जो कि मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की हैं वो वार्म अंडरटोन्स में हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो कूल अंडरटोन्स में भी हैं। और इस वीडियो में मैंने हाई एंड ब्रांड्स से लेकर अफोर्डेबल ब्रांड्स तक की लिपस्टिक्स शेयर की हैं ताकि आप अपने बजट के लिहाज से, अपनी पसंद के लिहाज से लिपस्टिक चूज कर सकें। तो चलिए बेटे हम इसकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शेड है लैक्मी 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट लिप कलर इन द शेड ब्लशिंग न्यूट। ये एक ब्यूटीफुल पिंकी ब्लश न्यूट शेड है जिसमें वार्म अंडरटोन्स हैं जो कि फेयर और मीडियम दोनों स्किन टोन्स पर काफ़ी सूट करता है और डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा शेड है लैक्मी 9 to 5 लिप कलर इन द शेड टॉफी नेक्सस। ये एक पीची ब्राउन न्यू शेड है जो कि कूल अंडरटोन्स में है और ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पर ज़्यादा सूट करता है और डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा शेड है। तीसरा शेड है मैक मैट लिपस्टिक इन द शेड वेलवेट टेडी। ये एक रोजी ब्राउन न्यू शेड है जिसमें वार्म अंडरटोन्स हैं, स्मोकी आइज के साथ बहुत ही गॉर्जियस दिखता है और लाइट टू मीडियम स्किन टोन पर बहुत ही अमेजिंग दिखता है। चौथा शेड है मैक मैट लिपस्टिक इन द शेड महर। ये एक ब्लश पिंक न्यू शेड है जिसमें वार्म अंडरटोन्स हैं। ये एक एवरीडे वेयर टाइप ऑफ शेड है जो कि आप वर्क, लंच डेट्स या फिर नाइट आउट्स वगैरह के लिए वेयर कर सकते हैं। स्मोकी आइज के साथ ये बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन ये शेड विदाउट मेकअप इतना अच्छा नहीं दिखता, मतलब मेकअप के साथ ही ये ज्यादा अच्छा दिखता है। पांचवा शेड है मैक मैट लिपस्टिक इन द शेड परसिस्टेंस। ये एक मीडियम ब्राउन न्यू शेड है जिसमें वार्म अंडरटोन्स हैं और मैट फिनिश देता है। ये शेड भी एवरीडे वेयर टाइप ऑफ शेड है और अगर आप वर्किंग वूमन है तो ये आपके लिए परफेक्ट है और ये शेड फेयर और मीडियम दोनों स्किन टोन्स पर सूट करता है। नेक्स्ट लिपस्टिक भी मैक की है जिसमें है मैक मैट लिपस्टिक इन द शेड ट्विक। ये काइंड ऑफ पर्पली पिंक न्यू शेड है जिसमें वार्म अंडरटोन्स हैं। ये तकरीबन तमाम स्किन टोन्स पर बहुत ही गॉर्जियस दिखता है और ऑफिस गोइंग वुमेन के लिए एक अच्छा न्यू शेड है। नेक्स्ट शेड है मेडोरा का इनकी मैट कलेक्शन में से, विच इज काफी 225। ये एक लाइट ब्राउन न्यू शेड है जिसमें पिंक अंडरटोन्स हैं और मैट फिनिश देता है। हर किसी का फेवरेट शेड है जो कि ऑलमोस्ट ऑल स्किन टोन्स पर सूट करता है, एक मस्ट हैव शेड है और कलर गोइंग गर्ल्स वगैरह के लिए और डेली वेयर के लिए काफी बेस्ट शेड है। नेक्स्ट शेड भी मेडोरा का है जो कि इनकी मैट कलेक्शन में से है, जिसका नाम है ग्लैमर 228। ये एक काफी प्रिटी न्यू शेड है जिसमें पर्पल अंडरटोन्स हैं। एक काफी नाइस एवरीडे वेयर कलर है जो कि मीडियम और फेयर दोनों स्किन टोन पर सूट करता है और ये शेड भी डेली यूज के लिए काफी अच्छा न्यू शेड है। अगली लिपस्टिक भी मेडोरा की है जो कि इनकी मैट कलेक्शन में से है, जिसका नाम है सिस 231। ये एक पेल न्यू शेड है जो कि ओनली पेल स्किन टोन्स पर सूट करता है। इस कलर को आप बेस कलर के तौर पर भी यूज कर सकती हैं तमाम कम्प्लेक्शंस के लिए और हर तरह की लिपस्टिक्स के नीचे आप इसे एज ए बेस कलर के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगली लिपस्टिक भी मेडोरा की है जो कि है इनकी मैट कलेक्शन में से, जिसका नाम है एंटीक पिंक 233। ये एक पेल रोजी पिंक शेड है और बहुत ही प्यारा न्यू शेड है। मेरा पर्सनली मोस्ट फेवरेट न्यू शेड है जो कि एवरीडे वेयर के लिए मैं यूज करती हूँ। ये शेड जो है ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पर ज्यादा सूट करता है। अगला शेड भी मेडोरा मैट का है जिसका नाम है वीवा ग्लैम 235। ये एक कूल टोन्ड रोजी न्यूड शेड है जो कि मीडियम और फेयर दोनों स्किन टोन्स पर सूट करता है, बशर्ते कि आपकी अंडर टोन्स कूल हों। ये शेड भी एवरीडे वेयर के लिए काफी अच्छा शेड है और ये शेड भी मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है मेडोरा में और एक मस्ट हैव शेड है। नेक्स्ट लिपस्टिक भी मेडोरा की है जो कि इनकी सेमी मैट कलेक्शन में से है, जिसका नाम है सनसेट पीच 704। ये एक पेल ब्राउन न्यू शेड है जो कि इवनिंग इवेंट्स वगैरह के लिए काफी एक अच्छा शेड है, मीडियम और फेयर दोनों स्किन टोन्स पर सूट करता है। नेक्स्ट लिपस्टिक है क्रिस्टीन की प्रिंसेस लिपस्टिक इन द शेड 108 आइस्ड कॉफी।
ये एक लाइट ब्राउनी न्यू शेड है जो कि एवरीडे वेयर के लिए काफ़ी अच्छा शेड है। मीडियम और फेयर दोनों स्किन टोन्स पर सूट करता है और ये शेड मीडियम और फेयर दोनों स्किन टोन्स पर सूट करता है। नेक्स्ट लिपस्टिक भी क्रिस्टीन प्रिंसेस की है इन द शेड 114 मड आइसलैंड। ये एक डार्किश ब्राउन न्यू शेड है जो कि वर्किंग वुमन के लिए काफ़ी अच्छा है। मीडियम और फेयर दोनों स्किन टोन्स पर सूट करता है और जितनी भी लिपस्टिक्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो तमाम व्हिटिश स्किन टोन पर सूट करती हैं। तो ये थी वो तमाम न्यू लिपस्टिक शेयर्स जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई डू होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।